कांगड़ा के जयसिंहपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गरीब के घर तक रोटी पहुंचाने का काम करते हैं। लक्ष्मी घर के अंदर कमल के फूल में बैठकर आती है, ना कि किसी का हाथ पकड़कर। अपने जनसभा के दौरान उन्होंने जयसिंहपुर से भाजपा प्रत्याशी रविंदर रवि दिमान के पक्ष में वोट भी मांगे। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब गरीबों के लिए मुद्रिका योजना चलाकर हर किसी को राहत दे रहे हैं, क्योंकि पहले के जमाने में गरीब किसी से पैसे उधार लेता था तो बहनों के खातों की चूड़ियां उतार दी जाती थी और साहूकार के पास गिरवी रखी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है और आज हर गरीब लोन ले सकता है। विकास का भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा के चुनाव में लिया। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो आप सब याद कीजिए, संसद में कदम रखने से पहले राष्ट्र के इतिहास में पहली बार भारत के एक प्रधानमंत्री ने चौखट पर शीश झुकाते कहा कि ये लोकतंत्र का मंदिर है और मैं देश का प्रधान सेवक हूं। आज एक तरफ कांग्रेस के युवराज अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने का वीडियो चलाते हैं और दूसरी तरफ आज भी एक चाय वाले का बेटा, गरीब माँ का बेटा लोगों के घर तक रोटी पहुंचे, उनके घर में चूल्हा जले, उसके लिए समर्पित है। मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ, उनसे कहना चाहती हूँ, कांग्रेस ने 5 दशकों से ज्यादा इस देश पर राज किया, लेकिन कभी सोचा उस बहन का क्या जो हर शाम हर दोपहर परिवार को भोजन खिलाने के लिए चूल्हा फूंकती है और अपने फेफड़ों में दुहे को सहती है। भारत के इतिहास में पहली बार चुनाव जीतने के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से आह्वान किया कि अगर आप अमीर हैं, अगर आप समृद्ध हैं, तो अपनी सिलेंडर की सब्सिडी छोड़िए ताकि गरीब बहनों को वो सिलेंडर हम मुफ्त में दे सकें उज्ज्वला योजना के माध्यम से। ये दर्द उसको समझ नहीं आएगा जिसने कभी अपनी माँ को चूल्हा फूंकते नहीं देखा। ये दर्द उसको समझ नहीं आएगा जिसने कभी अपनी बूढ़ी बहन को खांसते हुए नहीं देखा उस धुएं के कहर से। ये दर्द उसको समझ में आएगा जिसकी अपनी माँ ने दूसरों के घर में काम किया ताकि अपने बेटों को रोटी खिला सके और स्वाभिमान के साथ उन्हें बड़ा कर सके। और स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं, वहीं एक चाय बनाने वाला गरीब बेटा आज हर गरीब के घर तक रोटी पहुंचाने के लिए समर्पित है। स्मृति ईरानी ने वीरभूमि हिमाचल में आने के बाद यहां से शहीद वीरों को याद किया और नमन भी किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार को हटाकर कमल का फूल खिलाना है। उन्होंने मुद्रा योजना की शुरुआत की और कहा कि 50,000 से लेकर 10 लाख तक की राशि हर वो सामान्य हिंदुस्तानी जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है उसको दो, ताकि उसे कभी भी किसी अमीर के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी भी नेता के सामने सर ना टेकना पड़े। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि इन 3 सालों में हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा उद्यमियों को 2,930 करोड़ तक की राशि मुद्रा योजना के माध्यम से दी गई, जिससे 3 लाख नौजवान अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत पा चुके हैं। ये भेंट, ये सौगात, ये सहयोगी आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के माध्यम से हिमाचल के नौजवानों और परिवारों को मिला है। आज हिमाचल प्रदेश को एक स्वर्णिम प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर हमारे प्रत्याशी के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाने हम सब आए।
लेकिन यहाँ पर जितने जोश और जज्बे के साथ लोग आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं धीमान जी, उससे एक बात तो निश्चित है कि 18 दिसंबर से आपका एक एक मिनट इनकी शान में समर्पित हो जाएगा। और ये जनता जनार्दन भी ये जानती है कि जब दिन की शुरुआत होती है तो माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग सब भगवान के सामने सर झुकाते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि हे भगवान, वीरभद्र जी के यहाँ तो लक्ष्मी जी ने बड़े दर्शन दे दिए, कभी तो गरीब को भी माता जी दर्शन दे दें। लेकिन स्वाभिमानी हिमाचली कभी अपने भगवान से ये नहीं कहता कि हे भगवान मुझे गरीब से लूट कर अपनी तिजोरी को भरना है। स्वाभिमानी हिमाचली, स्वाभिमानी हिंदुस्तानी हमेशा अपने भगवान से कहता है कि हे भगवान बस बाजुओं में इतना दम दे कि मैं अपने दो हाथों की मेहनत से अपने परिवार को दो वक्त की इज्जत की रोटी खिला सकूं। की कामना करते हैं तो शीश झुकाते हुए क्या पाते हैं कि लक्ष्मी जब घर आती है तो वीरभद्र जी का कांग्रेस का हाथ पकड़कर नहीं आती, लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। इसी अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन दबाना है इस विश्वास के साथ कि 9 तारीख को आप सब घर के बाहर आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, लक्ष्मी जी को घर ले जाएंगे और धीमान जी को विधानसभा पहुंचाएंगे। इस विश्वास को प्रभु के चरणों में व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत।